इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, इत्तेहाद न्यूज में आज मेरे साथ मौजूद हैं धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल कुमार पाटिल साहब। आज यहाँ कला भवन धारवाड़ के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया सीए और एनआरसी के खिलाफ। आइए इनसे पूछते हैं आज देश के हालात के मुतालिक, क्या हालात हैं, क्या आपको नहीं लगता सर कि ये देश हिंदुस्तान हमारा जो है वो हिंदुत्व की तरफ जा रहा है? वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं उनका मनसूबा जो है ये हिंदुत्व बनाना और हिंदू और मुसलमान को बांटना, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। हम लोग मुसलमान नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। और ये जो एनआरसी की बात हो रही है, सीएए की बात हो रही है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसमें कानून चेंजेस करके फिर पार्लियामेंट को लाकर फिर पास करा के गलत इस्तेमाल करने के लिए, और नॉन बीजेपी वोट्स, चाहे मुसलमान हो या दलित हो, नॉन मुस्लिम गरीब लोग हो, नॉन बीजेपी वोट्स जो है उनको दबाना, उनसे वोटिंग पावर छीनना, ये मंसूबा है। वही काम के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे। हम सब साथ मिलकर इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें जीतेंगे। क्या लगता है कि इस तरह प्रोटेस्ट करने से कितना दबाव पड़ सकता है हुकूमत पर? क्या हुकूमत वापस लेगी अपने इस फैसले को? चुप बैठने से तो कामयाबी नहीं मिलेंगे, कोशिश तो करना ही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देश भर में प्रोटेस्ट जारी है, अगर वो लोग अभी भी नहीं सुधरे, अभी भयाबाजी चल रहा है, ये एनआरसी नहीं ला रहे हैं, मोदी साहब बोल रहे हैं एनआरसी की सवाल ही नहीं है, वो नहीं ला रहे, अमित शाह क्यों बयां किए, देश भर में एनआरसी ला रहे हैं, तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट करने तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आना, एनआरसी नहीं ला रहे करके ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक ये देश भर में ये चलता रहेगा। आपने मंगलूर के मुतालिक कहा कि मंगलूर में जो वायलेंस हुआ वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो फायरिंग हुई उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके मुतालिक आप? बिल्कुल कर रहे हैं, उधर मारना करके मारे हैं, उधर कुछ भी नहीं बिगड़ा था, उनको मारना करके उधर दबाना करके ही किए। वो वीडियो इसमें भी आया, कोई मरा नहीं, उसको मारो मारो करके भी बोल रहा है, ऑफिसर बोल रहे पुलिस ऑफिसर्स, अभी लोगों को गुमराह करने के लिए एडिट करके कुछ और वीडियोस भी भेज रहे हो, लेकिन उससे कुछ काम तो होने वाला नहीं है। ये मंगलूर में जो हुआ वो दोनों शहीद हुए हैं, उन मंगलूर के लोगों के साथ हम हैं। अच्छा, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी आने वाले दिनों में, अगर इसको जबरन अगर नाफिस कर दिया जाए, इन कानून को लागू कर दिया जाए, तो कांग्रेस क्या करने वाली है, क्या भूमिका रही आने वाले दिनों में? नहीं, देश भर में हम लोग क्या कर सकते हैं, देश भर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और गांधी जी जो सिखा कर गए हैं नॉन वायलेंस, उसी पर अमल रह कर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे।